आज हम लोग बना रहे हैं ब्रेड पकोड़ा और प्याज का भजिया और चटनी और ग्रीन वाली तीखी चटनी, जिसके लिए हम लोग लिए हैं ब्रेड और फिर बनाएंगे आलू का मसाला। सबसे पहले सारी सब्जियों को काट लेंगे, प्याज काटेंगे, शिमला मिर्ची काटेंगे, चुकंदर को कर्स करेंगे। चुकंदर मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि कलर आए, अगर आप लोगों को नहीं डालना है तो आप लोग मत डालिएगा। और कैप्सिकम भी मैं अपने मन से डालती हूँ, और इसमें कोई नीड नहीं है, इसमें सिर्फ आलू मसाला डालना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग बेसन का घोल बनाएंगे, जिसमें अजवाइन, करार, मेथी पत्ता, धनिया पत्ती, नमक डाल के इसको अच्छे से घोल के रख देंगे ताकि अच्छे से घोल भीग जाए और फूल जाए। उसके बाद हम लोग आलू का मसाला प्रिपेयर करेंगे, हींग डालेंगे, अदरक डालेंगे, मीठा नीम डालेंगे, लहसुन डालेंगे और प्याज डालेंगे। इसको सेक के मसाले डालेंगे, कैप्सिकम डालेंगे, उसके बाद उसमें नमक, मिर्ची, धनिया, चाट मसाला, गरम मसाला सब डालेंगे। उसके बाद बॉयल्ड आलू डालेंगे मैश करके और चुकंदर डालेंगे। उसके बाद उसमें कोरिएंडर डाल के उसको साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम लोग ग्रीन चटनी प्रिपेयर करेंगे। ये ग्रीन चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, अगर आप इसको पुलाव के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी खाओगे तो। प्याज, सौंफ, नमक, लहसुन और ये हल्दीराम का भुजिया डाल के इसके एजेस काटेंगे ब्रेड के। इसमें हम ग्रीन चटनी लगाएंगे, सारे ब्रेड में ऐसे लगा के हम लोग रख करके रख देंगे। आलू मसाला भर के चाट टुकड़ा करके इसको रख देंगे, फिर जब तलेंगे तो घोल में डाल के तल देंगे। ये सैंडविच, मतलब ये मसाला जो है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये ब्रेड के चार टुकड़े करेंगे, पहले मैंने दो टुकड़े किए थे, भी बहुत बड़ा लग रहा था तो फिर चार कर दिए। इसको तल लेंगे और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। आप इसकी चार लेयर भी बना सकते हैं, मैंने दो ही लेयर बनाई हैं। एक लेयर में आप स्वीट कॉर्न, मतलब सैंडविच का जो ग्रिल मसाला रहता है, उसकी स्टफिंग भी कर सकते हैं। मैं और भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ऊपर में मीठा टेस्ट आता है, नीचे में